बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो विषय विज्ञान के लिए हैं और एक किसके लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। और ये जो परीक्षा आपकी दो भागों में हुई, पहला भाग मानसिक योग्यता परीक्षा का होगा, दूसरा भाग शैक्षिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत आपको विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान और गणित के। और बच्चों, आज हम आपको जो प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं, वो कौन से विषय के, विषय विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान के। हमने सभी प्रश्न आपको हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसके बाद गणित के हम बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं इसमें इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अवतल दर्पण में। किस में बनता है? अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसे प्रश्न नंबर दो में, निकट दृष्टि के दोष को नेत्र के सामने निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है हमारे आँखों में के दोष को नेत्र के सामने निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना सिलेंडरी लेंस आएगा, ना उत्तल लेंस आएगा, ना अवतल लेंस, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन में क्या कह रहा है, प्रकाश की एक किरण के किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तन कोण क्या होता है। उसके चार ऑप्शन दिए, ए नंबर बढ़ जाता है, बी नंबर घट जाता है, सी नंबर परिवर्तित हो जाता है और डी नंबर अत्यधिक कम हो जाता है। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ए नंबर, बढ़ जाता है। क्या है प्रश्न, प्रकाश की एक किरण के किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तन कोण बढ़ जाता है। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें होती हैं। यहाँ चार बताया, ए नंबर ऊष्मा की किरणें, किरणों से, एक्स किरणों से, प्रकाश किरणों से और ध्वनि किरणों से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें होती हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, एक्स किरणों में। किस में होता है, एक्स किरणों में, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर पाँच देखिए, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 हो तो इसका अपवर्तनांक होगा। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना है, 45 अंश हो तो इसका अपवर्तनांक होगा। तो बताइए इसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो 1.32, 1.41, 1.2, 1.25। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 1.41। कांच के लिए कार्तिक कोण का मान 45 अंश हो तो अपवर्तनांक कितना होगा, 1.41। इस प्रकार से प्रश्न नंबर पाँच यहाँ कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर छः। प्रश्न नंबर छः में क्या कह रहा है, देखिए, हीरे में अत्यधिक चमक क्यों होती है, हीरे में अत्यधिक चमक क्यों होती है। इसके चार ऑप्शन दिए, ए नंबर अपवर्तन के कारण, बी नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सी नंबर परावर्तन के कारण और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में अत्यधिक चमक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर सात क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर सात में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण का किसी प्रिज्म से होकर निकलने पर विचलन सबसे अधिक होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण का किसी प्रिज्म से होकर निकलने पर विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, चार ऑप्शन दिए इसमें देखिए, ए नंबर हरा, बी नंबर लाल, सी नंबर पीला और डी नंबर बैंगनी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, पीला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आठ क्या कह रहा है, यदि दो समतल दर्पणों को बारी बारी से परस्पर 30, 40, 50 और 60 अंश के कोण पर झुकाकर रखा जाए तो निम्नलिखित में से परस्पर किस कोण पर दर्पणों के प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी। देखिए, यदि दो समतल दर्पणों को बारी बारी से परस्पर 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश और 60 अंश के कोण पर झुकाकर रखा जाए तो निम्नलिखित, यानी कि 30, 40, 50, 60,
में से परस्पर किस कोण पर दर्पणों में प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 40 अंश पर। क्या होगा, किस कोण पर? 40 अंश के कोण पर दर्पणों के प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, क्या कह रहा है। अनंत पर रखी गई वस्तु का उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब होगा। अनंत पर बन पर रखी गई वस्तु का उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी नंबर, वास्तविक और अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और अत्यधिक छोटा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। दूरदर्शन की दो वस्तुओं को स्पष्टतः देखने की क्षमता कहलाती है। दूरदर्शन मीन्स टेलीस्कोप की दो वस्तुओं को स्पष्टतः देखने की क्षमता कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, आवर्धन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। क्या कह रहा है इसमें प्रश्न नंबर 11 में? लेंस की क्षमता का मात्रक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, बताइए यहाँ से क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, डायोप्टर है। क्या है इसका? डायोप्टर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसी समतल दर्पण पर पड़ रही प्रकाश की एक किरण का आपतन कोण 60 अंश है। यदि दर्पण को 10 अंश के कोण में झुका दिया जाए तो नया परावर्तन कोण होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 80 अंश का होगा। कितने अंश का होगा नया परावर्तन कोण? 80 अंश का होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण गोली विपथन से मुक्त है? इसका सही आंसर आ जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 14 देखिए, यदि f बराबर ऋण r बटे 2 हो तो यह संबंध यह दर्शाता है कि दिया गया दर्पण उत्तल है। यदि f बराबर ऋण r बटे 2 हो तो यह संबंध दर्शाता है कि दिया गया दर्पण कौन सा होगा? तो उसका उत्तल है। तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। एक अवतल दर्पण 36 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले का भाग है। किसी वस्तु के मूल आकार का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को इस अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 0.4 मीटर दूरी पर रखना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। एक व्यक्ति 3 मीटर की दूरी तक स्पष्टता देख सकता है, उसके चश्मे में लगे लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए जिससे कि वह व्यक्ति 12 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सके? देखिए, एक व्यक्ति 3 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, उसके चश्मे में लगे लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए जिससे कि वह व्यक्ति 12 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सके? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 0.25 डाई ऑप्टर। क्या जाएगा? 0.25 डाई ऑप्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सा संबंध लैम्बर्ट की कोटिजा जया नियम को निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए बताइए, इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, एल बराबर बड़ा एल कॉस थीटा बटे आर का वर्ग, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। क्या कह रहा है, यदि एक क्रांतिक कोण 30 अंश हो तो उसका अपवर्तनांक होगा? क्या कह रहा है, एक द्रव्य का क्रांतिक कोण कितना हो? 30 अंश हो तो उसका अपवर्तनांक होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, 2.0। कितना होगा अपवर्तनांक? 2.0। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। क्या कह रहा है, इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद दिखाई देता है, इसका कारण है? बताइए, इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आसमान में लटकती हुई पानी की नन्नी नन्नी बूंदें प्रिज्मों के रूप में कार्य करती हैं। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 देखिए, मोटर गाड़ियों के हेडलाइटों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण उपयोग में लाया जाता है? फिर से रिपीट करते रहे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोटर गाड़ियों के हेडलाइटों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण उपयोग
मिलाया जाता है। हेडलाइट समझते हैं, जो सामने बल्ब के लिए जो लगाया जाता है कांच, तो वहाँ पे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस। तो कौन सा लेंस आ जाएगा इसमें? उत्तल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। क्या कह रहा है? गोली दर्पण से परावर्तन की दशा में, गोली किसी गोली दर्पण से परावर्तन होने की दशा में वस्तु और उसके प्रतिबिंब की अवस्थितियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, समयुग्मी फोकस। कौन सा फोकस? समयुग्मी फोकस, यानी बी नंबर का आंसर इसका सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? यदि खगोली दूरदर्शक, यदि खगोली दूरदर्शक के अभिदर्शक और उसकी नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। इसको सूत्र के माध्यम से हल करेंगे, जब हल करके देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। हम 10 का भाग किस में दे देंगे, जो फोकस दूरी है उसमें कितने बार जाएगा? 6 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ए नंबर का आंसर सही आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर का। सिलेंडरी लेंस का उपयोग निम्नलिखित दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सा लेंस? सिलेंडरी लेंस का उपयोग निम्नलिखित दृष्टि दोष, या नीचे दिए गए हैं, को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, और इसका सी नंबर क्या दिया हुआ है? अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अबिंदुकता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 24 में? जरा दूरदर्शिता एक दृष्टि दोष है, जिन व्यक्ति में यह दृष्टि दोष होता है वह व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, समीप की वस्तुओं को स्पष्ट। किसको देख सकता है? समीप की वस्तुओं को स्पष्ट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में क्या कह रहा है? मरीचिका का भ्रम क्यों होता है? प्रश्न है, मरीचिका का भ्रम क्यों होता है? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, वायु का अपवर्तनांक ऊंचाई के साथ निरंतर बढ़ते जाने के कारण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? प्रकाश तरंगों की प्रकृति निम्नलिखित के समान होती है। प्रश्न है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति निम्नलिखित के समान होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गामा किरणों के समान होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक एक वर्णी है? प्रश्न है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से कौन सा अधिक एक वर्णी है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश आएगा? श्वेत प्रकाश क्या है? अधिक एक वर्णी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। हीरा, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित क्रम में घटता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पानी अधिक, कांच उससे कम, फिर हीरा। यानी पानी अधिक होता है, फिर कांच, फिर हीरा। तो हीरा, कांच और पानी के प्रकाश का वेग निम्नलिखित क्रम में घटता क्रम क्या हो गया? ये हो गया पानी, कांच और हीरा। सबसे अधिक पानी, फिर कांच, फिर हीरा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। क्या कह रहा है? निम्नलिखित रंग की प्रकाश किरण के कांच से वायु में प्रवेश करने की दशा में क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होता है। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित रंग की प्रकाश किरण के कांच से वायु में प्रवेश करने की दशा में क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण के कारण कार्तिक कोण का मान न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको विज्ञान के प्रश्न 1 से 29 तक के बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कौन सी परीक्षा? नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चों, यदि आपको ये प्रश्न समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।